ग्रोसरी सेंटर में गुची है और हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। सो गाइज, आज का जो ये व्लॉग है ये एक्चुअली क्योंकि हमारा शूटिंग जो है वो वेदर के वजह से, थैंक्स टू द वेदर जिसने बिल्कुल हमें सपोर्ट नहीं किया। जब हम आए थे दो दिन हमने रिहर्सल किया, बहुत धूप, मस्त धूप। जिस दिन हम शूटिंग करने गए उस दिन बारिश का मौसम आ गया और हम नहीं शूट कर पाए और उसके वजह से शूट पोस्टपोन हो गया और मुझे इतना ज़्यादा अफसोस हो रहा है बिकॉज मैं वहाँ से आ गई, पॉम्पी का एक काम था वो हमने कैंसिल किया और फिर मुझे दो तीन काम था वो हमने कैंसिल किया और हम आ गए, बट अनफॉर्चुनेटली वेदर डिड नॉट सपोर्ट अस और उसके वजह से दो तीन दिन हमारा ऐसे ही वेस्ट हो रहा है। पर फिर मैंने सोचा कि क्या करे क्या ना करे, कुछ तो करना होगा। तो आज हम जा रहे हैं दोस्तों से मिलने, एक्चुअली मेरे पुराने दोस्त जिनको आप लोगों ने व्लॉग में नहीं देखा, क्योंकि ये ज़िंदगी शुरू होने से पहले के जो मेरे दोस्त थे जिनका मतलब इस इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, वो वाले दोस्तों से मैं मिलने जा रही हूँ। मतलब वो एक ही अभी आएगी आज, बाकी दो तीन थोड़ा वो लोग टीचर है, एक्चुअली टीचर है, तो क्योंकि मैं किड्जी में करती थी तो किड्जी के दोस्त तो वो लोग टीचर है तो उनका स्कूल है तो थोड़ा सा टाइम का इधर उधर है, तो मैं उनसे बाद में मिलूंगी। आज एक आ रही है रश्मि करके, तो अभी मैं सबसे पहले थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ फिर उसके बाद हम निकलते हैं एंड लेट्स सी क्या क्या होता है, मुझे भी नहीं पता क्या क्या होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और असम में मतलब स्पेशली हमारे घर में ब्रेकफास्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, हम ब्रेकफास्ट नहीं करते, हम सीधा चावल ही खाते हैं, सीधा खाना ही खाते हैं, वैसा ब्रेड बटर वैसा मुंबई में होता है पर यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे मैं सीधा चावल ही खाती हूँ, सीधा खाना ही खाती हूँ, तो वही कर रही हूँ अभी, खाना खाती हूँ एंड देन सौरभ आ रहा है पिक करने। वैसे एक बजी रहे, सौरभ आ रहा है पिक करने, हम जाएंगे एंड देन या लेट्स सी। और अभी हम घर से निकल के आ गए हैं, सौरभ आया था मुझे पिक करने। अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले माधुरी जी के पास, वहाँ पे वो ऑलरेडी शूट कर रहा है अनन्या बा के साथ। बस थोड़ी देर ऐसे गप्पे वप्पे मार के थोड़ा एक शूट के बाद करनी है, वो बात करेंगे एंड देन वी विल गो टू सिटी सेंटर। सिटी सेंटर में जाके वो उस दोस्त से हम मिलेंगे, फिर उसके बाद हमें जाना है सौरभ के दोस्त से मिलने जो कि अभी मेरे भी दोस्त है, और उसके बाद हम जाएंगे नीलपाल दास से मिलने। सो आज का ब्लॉग जो है इट्स अबाउट मीट एंड ग्रीट, क्योंकि जो हमारे सारे प्लानिंग्स थे वो उल्टा पुल्टा हो गया, सब शेड्यूल की इधर उधर होके सब उलट पुलट हो गया, जो हम सोच के आए थे वो तो ऐसा हो गया, खिचड़ी हो गया। अभी हम यहाँ भी मैनेज करना पड़ रहा है, यहाँ भी मैनेज करना पड़ रहा है और कहीं मैनेज हो भी नहीं रहा है, सो वी डोंट नो क्या होने वाला है। और अभी हम पहुँच गए हैं माधुर्जा के घर। मैंने एक्चुअली बीच में मेरी और माधुर्जा की लड़ाई हुई थी और मुझे लगा नहीं था कि मैं माधुर्जा से दोबारा बात करूँगी, बट दोस्ती है तो करना पड़ेगा। और आते ही हेलो हाय, और आते ही हम मिले अनन्या बा से, तो अनन्या बा शूट को रही ऐसे बारबी शूट, बारबी मेकअप को रही से, बारबी मुखन दिखाई दिया, बारबी मेकअप को रही से, तो आही भालो लगी से, मैंने बहुत दिनों मूर आमी लॉक पाइसो अनिल बहुत बसर पिसत तुमार तो लॉक करिम बोली भरा नासिलो आमी तो बहुत बसर पिसत लॉक पाइसो बहुत बसर फर्स्ट आमी जेटा लॉक पाइसिलो तेतिया एटा म्यूजिक वीडियो बर्णालीबार म्यूजिक भिडिओ बाले भनियेकर कैसे सीरियसली मोर मैंने लगे सुरभिक मैंने तुटे पर्सनेलिटी बहुत बस हल न 2016 मैं मैं तक एंटायर दिन मैं तक लक्ष्य कर पे मोर क्या तक पर्सनेलिटी तो एने लगिले तेने क्यों मैं तक लीड करी छाली है मोर एने लगे मोर तक वाइब आ तुमको मैं कैसी तुम्हें बहुत मानने बहुत तुम डांगर नाम करा तुम बाहर जो ना ट्राई करा ना मोर क्या तेने लगे बुझाने मोर लगा तो हो गल सिकंदर मैं कैसे ना हेरी नुक
কোনোবা এটা ভাল নতুন ল কিলে আমাৰ যে সুৰভি যে সুৰভি মনত আছে এনেকে কতে ও ইয়েস 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 লাইক লব বেটা সে তোমাক তাৰ পিছত তাৰ পিছত কৰিছিল আৰু হেতু গানত কিশোৰটা আছিলে সো হে আৰু বহুত ভাল লাগিলে বহুত দিনৰ মূৰত লগ পালো মাধুৰ্যৰ লগত বাৰু মই কি হৈছিল হেতু মই লগ নাই মাধুৰ্যৰ লগত মোৰ কাজি আছিল আজি মই তুমি মাতা গানিহে আহিলো নহলে নাহিলো হয় থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আৰু সৌৰভ সৌৰভ আহিছে ও কি হৈছে रोद शूट केंसल रोद सो शूट कर करूंगी अपने फ्रिज में बहुत जल्दी अपना लगे देखा होगा ब्लैक ब्लैक देखो ब्लैक ब्लैक फ्रिज मैग्नेट हम सो गाइस वी आर लिविंग नाउ बस हमने बहुत ट्राई किया मैंने बहुत ट्राई किया डांस करने का जो मुझसे हुआ नहीं ऑब्वियसली अनन्या भाई बहुत ভাল আছে কিন্তু আমি খুনকালে লং থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর কামিং আর আমি ইমান ধুনিয়া রিল এটা বনালো খুব সিম্পল রিল সিম্পল রিল জট মানে মুর ইমান ভালো না 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 তুমি কি কইছো সুরভি হদাই পড়না ইমান লগ পাইছো আমি আগত ও বারবিক মই কিটা লগ পাবো রিঅ্যাকশন তো পাই যাব এটা রাইজে বারবিক মই ফার্স্ট কিটা লগ পাই যেতিয়া মই কৰিছিল বাপ্পা হয় মোৰ জীৱনৰ ফার্স্ট মিউজিক ভিডিও জুনটো আছিল তেতিয়াই মই বারবিক লগ পাই তেতিয়া বারবি মোক মেকআপ কৰা অ তো নিমা ডেংজবত গুচি গল তাই আৰু নেপালো এতিয়া আৰু আমি ব্লগ এতিয়া আৰু আমি আমাৰ সেক্সি কি পুৰুৱ কাম কৰো আৰু আগুৱাই যাও সেক্সি কি পুৰুৱ এলুকেই মেকআপ কৰিব আমাক সো তোমালোকে জলদি বনাই লোৱা ৰিল উই উইল লিভ আৰু चलो बाय लग पाम अति खुनकाले सुरभि खदाय मरम दि थाकिबो आपना लके गिव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू हर शी इज अ डियरेस्ट गर्ल थैंक यू चलो हियर इज माय लॉन्ग फ्रेंड एंगेजमेंट टाइप और रेड वन है सो हमने ऑर्डर किया ये चिकन नगेट्स ये मेरा कॉफी और ये खा रही है चिकन ओ और ये कैसे जूस और ये फोटो है उन दिनों की जब मैं स्कूल में जॉब कर रही थी और ये था क्रिसमस और अभी हम जा रहे हैं नीचे क्योंकि रश्मि ने हमें बोला है कि सिटी सेंटर में गुची है और जो कि बहुत सस्ते वाले गुची है क्योंकि सस्ते वाले गुची मतलब जब हम पैलेडियम गए थे तो वहाँ पे इट वॉज लाइक 1,85,000 2 लाख अराउंड तो इसने बोला है कि 10,000-9,000 में गुची मैंने ये कौन से गुची तो अभी हम जा रहे हैं नीचे देखने के लिए कि एग्जैक्टली है क्या या फिर इसने गलत देखा शायद मैंने GUCHY देखा है ऐसे चाहे गुशी गुशी लेट्स गो हाई डिजाइनो हाई डिजाइन এটো কে নাই গুচি বুলি কৈছিল মই কি মই ভাবিছোঁ কেনেকৈ গুচি আহিলে কেনেকৈ অঁ বেয়া নহয় মই বেয়া বুলি কোৱা নাই বাট দ্য থিং ইজ মই তই কি বুলি মই ভাবিছিলোঁ জীৱনৰ প্ৰথম গুচি চাগে গুৱাহাটীৰ পৰা ল'ম বুলি গেছৰ বেগটো তাই গুচি বুলি কৈ আমাক ওপৰৰ পৰা লৈ আহিছে গুচি কা পাৰফিউম হে গুচি और गाइज अभी हम जा रहे हैं सौरभ के दोस्त तो से मिलने सेबा वेदांत मोमू मोमू इज इज ब्रदर और अभी वो लोग गए शॉपिंग करने में शॉपिंग क्या वो लोग गए कि सामान लेने चिकन और फिर टमाटर ये सब लेने वो भी मैं शॉपिंग होने लगी हूँ मतलब इतना ज़्यादा दिमाग में शॉपिंग भरा हुआ है ना तो वो सब लेने गए मैं ऐसी गाड़ी में बैठी हूँ क्योंकि मुझे चिकन खाना अच्छा लगता है पर मैं शॉप में नहीं जा सकती मेरे को स्मेल भी अच्छी नहीं लगती और वो देख के भी नहीं अच्छा लगता है खाती हूँ मैं हिपोक्रेसी आई नो पर मैं शायद अगर फ्यूचर में हुआ तो आई ट्राई कि मैं वेजिटेरियन बन जाऊँ पर अभी ऐसा कुछ नहीं है तो वो लोग लेने गए हैं सब्जी वब्जी मैं ऐसी गाड़ी में बैठी हूँ ठंड भी लग रही है मुझे थोड़ा सा इसीलिए ऐसी रील वील देख रही थी एंड अभी हम जाएंगे फिर थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे और खा के पास में ही मेरा घर है एक्चुअली तो मैं रात को चले जाऊँगी रात को मतलब डिनर विनर करके मैं चले जाऊँगी फिर उसके बाद वो लोग शायद रहेंगे कल मैं सोच रही हूँ कि माँ को कलर करवाने लेके जाऊँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सफ़ेद बाल हो गए सामने और ऊपर से घर पर कलर कर
करवा नहीं रही है वो, क्योंकि ठंड भी है और घर थोड़ा सा, घर में थोड़ा ज़्यादा ठंडी होती है क्योंकि धूप कम पड़ता है, तो उसके वजह से। और पार्लर में अच्छे से वॉश एंड ऑल करके देंगे, थोड़ा मसाज करके देंगे और गर्म पानी से देंगे, तो थोड़ा रिलैक्स बेटर फील करेगी वो। दैट्स वाई हमने सोचा है। और मैं सोच रही हूँ कि अनूर जो SMS मूवी है वो देखने जाओ, वो सामने सौरभ ताक झाक रहा है मुझे। हाँ, मैं बना रहा हूँ बटर चिकन बहुत दिनों के बाद, जिसमें बटर नहीं होता है, जिसमें बटर नहीं होता है, ये होता है चीप बटर चिकन, जिसमें मैं बटर और नहीं, जिसमें मैं प्याज और मैं टमाटर डाल रहा हूँ, तो ये दोनों मिक्सअप करके गूगल हिंदी अभी आज का जो ये दिन है, आज क्या क्या करने वाले मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहले हम जा रहे हैं पार्लर, माँ का हेयर कलर करवाने और मेरा वैक्सिंग करवाने। बस गाड़ी आ रही है, ये वाले पार्लर से पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस है तो वो एक अच्छी बात है। तो अभी गाड़ी आ रही है, हम ऑलमोस्ट लाइक वी आर रेडी, वी आर वेटिंग फॉर द कार। वो आने के बाद फिर हम जाएंगे सीधा पार्लर। अभी मतलब मेरा वैक्सिंग भी हो गया है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है वैक्सिंग, मतलब ऐसा लगता है कि जान निकल जाती है, ऐसा लगता है क्यों ही करवाते हैं हम, पर करना पड़ता है, क्या करें। मतलब लड़की होके ऐसा लगता है कभी कभी कि गुनाह कर दिया भाई, इतना इतनी तकलीफ हो रही थी ना आज मेरे को, आई स्वेयर। एंड शी इज़ बर्नाली, माई कॉलेज फ्रेंड, और माँ उसके साथ बात कर रही है अभी। और कितना टाइम लेगा? 5 मिनट। কেনেকুৱা লাগছে? সাঁতৰি আছো, পানীত সাঁতৰি আছো। और अभी हम घर आ गए हैं, मतलब हो गया सब, सर्विस कर लिया हमने, और माँ बिल्कुल अलग लग रही है। ऐसा लग रहा है पार्लर में मैं किसी और को लेके गई थी और किसी और को लेके आई हूँ, क्योंकि बाल सच में हेयर बहुत हमारा लुक चेंज करवाता है, क्योंकि उनका कर्ल है पूरा। अभी स्ट्रेट कराया नहीं है, सिर्फ ऐसे ही करके दिया, मतलब सलून से अच्छा लगे इसलिए। तो अभी वॉश करने के बाद वो स्ट्रेट चला जाएगा, बदन कलर वो रहेगा। मैंने स्ट्रेट इसलिए नहीं करवाया क्योंकि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, और मेरा ऑलरेडी इतना ज़्यादा हेयर फॉल, मतलब मेरा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, तो उनका मतलब वैसे ही हेयर बहुत कम है। अभी हेयर फॉल होगा तो फिर बचेगा ही नहीं, इसलिए मैंने हेयर स्ट्रेट नहीं करवाया। पर वैसे ही अगर मेंटेन करेंगे तो वो अच्छा लगेगा। सौरभ को भेजा फोटो तो सौरभ बोले बिल्कुल सेम लग रहे हो दोनों। आप लोग बताना कि कमेंट में कि हम सच में सेम लगते हैं क्या। वैसे बहुत लोग बोलते हैं कि सेम लगते हैं, तो आप लोग बताना। अभी मैं थोड़ा ऐसे ही चिल मारूंगी। मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगी फैंसी बाज़ार, बट इट्स ऑलरेडी 6 PM, तो फैंसी बाज़ार जाके अभी फ़ायदा नहीं है, कल ही जाना पड़ेगा मुझे। और बाहर भी मैंने सोचा था कि जाऊंगी, पर क्या करूं अभी जाके, अभी 6 ऑलरेडी बज ही गया, अभी आते आते फिर मेरे को 10 बज जाएगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ नहीं जाती हूँ आज, वीडियो घर पर ही एडिट करती हूँ। सो या